हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं करवा चौथ स्पेशल के लिए मेकअप अंडर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के मेकअप के लिए हम सबसे पहले कर लेंगे फेस वॉश। करने से पहले मैं अपने बालों को पूरी तरह से एडजस्ट कर लूँगी, जिससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी मुझे मेकअप करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ NYB का प्राइमर, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेकअप के लिए। तो ये मैं लूँगी अपनी उंगली पे थोड़ा सा, एंड इसे मैं लगाऊंगी धीरे धीरे अपने फेस पे, जिसे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके धीरे धीरे मसाज करूंगी। पूरे फेस पे मुझे ये लगाना है, ये एक बेस होता है प्राइमर के लिए। हमें कोई भी मेकअप करने के लिए प्राइमर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छी और सूदिंग रहती है। तो देखिए मैंने किस तरह से अपना प्राइमर पूरा अप्लाई कर लिया है, मैंने अपने पूरे फेस पे इसे फैला दिया है एंड प्रॉपरली इसको अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी बीबी क्रीम। मैं एक्चुअली बेसिक मेकअप आज आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे लिया है, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं ये लूँगी अपने हाथ पे जस्ट थोड़ा सा, विदाउट अदर प्रोडक्ट्स। आप आज किस तरह से मेकअप कर सकते हैं आज मेरे साथ देखेंगे। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है अपने हाथ पे, एंड हाथ पे लेने के बाद इसको मैं पूरी तरह अपने हर जगह पे, फेस पे, हर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, जिससे हर कोने पे मुझे एक प्रॉपर एंड इक्वल बेस मिलेगा, एक इक्वल लेयर मिलेगी, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। एंड जस्ट अ बीबी क्रीम विल मेक अ चेंज। जैसे आप देखेंगे मैं इसे पूरे अपने चेहरे पे फैला रही हूँ, तो आप देख सकते हैं एक कॉमन लेयर मेरे चेहरे पे मिल गई है मुझे, एक प्रॉपर लेयर। इसको जब हम लोग ब्लेंड करते हैं तो ये प्रॉपर शेप ले आता है, प्रॉपर लेयर बना लेता है। इसको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द मेन थिंग हम कभी भी मेकअप करें। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी जस्ट एक सिंपल कॉम्पैक्ट, लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं अपने फेस पे धीरे धीरे टैप करते हुए लगाऊंगी। मैं आज आपको बेसिक मेकअप बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी खर्चा ना करते हुए बहुत कम अफोर्डेबल मेकअप मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके पास घर में उपलब्ध चीज़ें हैं उससे आप एक अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग, मेरा फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। के लिए हम अपनी लिपस्टिक का ही यूज़ करेंगे। तो लिपस्टिक के लिए मैंने एक पिंकिश कलर की लिपस्टिक ली है, बिकॉज मैं जो कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ उसके ऊपर ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर जाएगा। तो मैं इसको अपने हाथों से ही अपनी आँखों के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, मैंने कोई भी ब्लेंडिंग चीज़ों के का उपयोग नहीं किया है, मैंने किसी भी चीज़ का नहीं, मैंने एक घरेलू मेकअप आपके साथ शेयर किया है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसके लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देखिए किस तरह से मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। अब मुझे लगाना है आँखों में काजल। धीरे धीरे आँखों का मेकअप अब मैं पूरा करूँगी। आँखों के काजल के बाद अब मुझे लगाना है काजल। अब मैं पूरा अप्लाई कर लूँगी इसके ऊपर। काजल लगाने के बाद अब पारी आती है आईलाइनर की। तो पहले मेरा काजल पूरा लग जाता है, तो अब मैं देखती हूँ ये आईलाइनर जो है वो ब्लू हेवन का है, वो मैं जस्ट एक सिंगल स्ट्रिप में मैं अपनी आँखों के यहाँ लगाने वाली हूँ। आईलाइनर लगाते वक्त आपको बहुत धीरे से एंड बहुत ही मतलब इत्मीनान से आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, बिकॉज सबसे हम क्या बोलेंगे कि एक डिफ़िकल्ट चीज़ वही होती है। अब बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा हम धीरे धीरे अपने आईलैशेस की, मैं यहाँ पे कोई फेक आईलैशेस नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं सिंपल अफोर्डेबल मेकअप कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फेक लैशेस नहीं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे अपने नेचुरल लैशेस को ही अपने मस्कारा से हाईलाइट करूँगी, जिससे बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे, एंड बाय गॉड गिफ्टेड मेरे आईलैशेस ऑलरेडी बड़े हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुल के आ रहे हैं। अब इसके बाद आती है बारी ब्लश की। तो ब्लश के लिए भी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपनी लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक मैं यहाँ पे लूँगी। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लिपस्टिक्स मैं अपने आई शेडो या ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसी तरह से मैं उनका यूज़ अपने मेकअप में कर लेती हूँ। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं कि हम कोई भी चीज़ अपने मेकअप में यूज़ करें, एक्चुअली चल जाता है, अफोर्डेबल है तो चल जाता है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक इज़ द लास्ट वन जो पूरा मेकअप होने के बाद ज़रूरी है।
तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिपस्टिक। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पिंक कलर है ये। करवा चौथ के लिए रेड, पिंक और ऐसे कलर्स तो हमेशा भाते हैं, तो ये कलर्स बेस्ट है करवा चौथ के लिए। तो इस तरह से अब ये मेरा पूरा बेसिक अफोर्डेबल मेकअप पूरा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं मेरा नया लुक।